राजा हर्षवर्धन शंकर की भक्ति में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए कि सुबह से शाम तक अपना राज्य संभालना और शंकर की भक्ति धारण करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तु, स्मरण करते रहना, स्मरण। हमने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में सावन के महीने में आप और हमने सबने सुना, दूसरे दिन की कथा में कहा था कि सावन का महीना चल रहा है, अपने घर में अगर कोई भी आए या आप किसी से मिले तो हमने दूसरे दिन की कथा में आप और हमने सुना था कि प्रयास करो, सावन के महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण का पवित्र महीना हमारे बीच में है, 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जो सोमवार से सोमवार तक चलेगा, ऐसे सावन के महीने में या तो तुम्हारे घर में जो आए तो उससे शिव की बात करो, शंकर की बात करो, शिव महापुराण की बात करो, शंकर की कथा की बात करो, शिव तत्व की बात करो, पशुपति व्रत की बात करो, शंकर की लीला की बात करो, और अगर शिव की बात नहीं कर सकते तो इस सावन के महीने में शिव से बात करो, बस इतना अपने अंदर धारण। या तो शिव की बात करो या जम के बोलो जरा शिव से बात, दो ऑप्शन है बस, इसमें से एक पकड़ लो, या तो हमें शिव की बात करना है और हम शिव की बात नहीं कर सकते तो शिव से बात करो। हम लौकिक बात क्यों करें, हम सांसारिक बात क्यों करें? कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर कथा में बैठे बैठे इसकी निंदा कर दो, उसकी निंदा कर दो, मालूम पड़े शिव पुराण तो कम सुना पाए, भागवत तो कम सुना पाए, रामायण तो कम सुना पाए, गीता ज्ञान तो कम दे पाए, मालूम पड़ा निंदा 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 में पूरा समय निकल गया। ना, हमें किसी की निंदा ना करते हुए हमें तो केवल भगवान की, या तो शिव की बात करो या शिव से बात करो, सावन में बस इतना ही करो। आज सावन का दूसरा सोमवार है, पांच सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा, सावन के कई बार चार सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार पांच सोमवार पड़ जाते हैं, पांच सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, पांच सोमवार की महिमा क्या है, सावन के महीने के पांच सोमवार की महिमा क्या होती है? तो कहा अगर पांच सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत, श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, माँ दुर्गा, माँ भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बांची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था, पांच देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर बैठे, माँ दुर्गा, भगवान नारायण, शिव पंचायत में भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव के पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये पांचों सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं, पांच। एक एक सोमवार की महत्वता, एक एक सोमवार का क्रम है, कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है, कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है, सबका अपना अपना भाव है।
जैसे तुम शिव को मना सकते हो, जैसे यहां भगवान शंकर को नहीं जा सकते। हर्षवर्धन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था, शंकर के सिवा कोई भाता ही नहीं था उसको, शिव शिव है। एक एक माहिल्याबाई होलकर और दूसरे हर्षवर्धन, तीसरे वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ऐसे भारत के कई राजा, भारत की कई रानी, भारत की भूमि के कई महाराजा जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अखंड राज्य करा और संसार को दिया है, वो शंकर को अपना लक्ष्य बनाकर चलते थे। जैसे माहिल्याबाई होलकर, माहिल्याबाई होलकर जब भी अपना पत्र लिखती थी उस पत्र में कभी नहीं लिखती थी कि अहिल्याबाई का आदेश, कभी नहीं लिखा कि माहिल्या का या राजमाता अहिल्या का आदेश। जब भी पत्र माहिल्याबाई लिखती थी तो उसमें लिखती थी शिव का आदेश, महादेव का आदेश। अपने पत्र में कभी नहीं लिखा उसने माता, कभी नहीं लिखा उन्होंने कि मेरा आदेश, उन्होंने कभी नहीं लिखा माहिल्याबाई ने कि मेरा आदेश है, उन्होंने तो लिखा महादेव का आदेश है, उन्होंने लिखा कि शिव का आदेश है, उन्होंने लिखा शंकर का आदेश है, मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आदेश नहीं, ये शिव का आदेश। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा, शिव ही। आप लोग इतने सारे मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहां तहां जगह मिली होगी नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया, मतलब आपके हृदय में शंकर आकर बैठ गया। और कथा आप सुनने नहीं आए हो, कथा आपके अंदर बैठा हुआ शंकर कथा सुनने के लिए आया। ये आदेश उसका अपना नहीं। और शंभु शरणे
कर दे, एक पत्र दे। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, जामुल जामुल, पता रीवा पपरा से, कहीं बैठे हैं क्या आप? ही हैं श्री शिवाय नमस्ते। आइए बेल पत्र ले जाओ। नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, जामुन, स्थाई पता रीवा पंपरा से, मेरे पुत्र अर्नव की तबीयत 19 दिसंबर 2022 को अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों की जांच कराने पर पता पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। जब ब्लड कैंसर की बीमारी उसके साथ में बताई, साथ में एक बीमारी और बताती जिसका नाम था CSF, एक LL ब्लड कैंसर और दूसरा CSF। दूसरी बीमारी भी बता दी, एक तो बेटा 8 साल के बाद हुआ था गुरुजी, बच्चा एक तो 8 साल के बाद हुआ, और 8 साल के बाद बच्चा होने के बाद उसके साथ में इतनी सारी बीमारी हो गई कि दिल दुख गया, पूरा परिवार दुखी हो गया, सब रोने लगे गुरुदेव। तब मेरी दीदी कथा सुनती हैं और सुनते हमको कहा कि कोई टेंशन मत ले, बता दी बीमारी कोई बात नहीं, प्रदोष का व्रत कर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ कर, और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा और उस जल को लाकर तेरे बेटे को पिलाना प्रारंभ कर। कहा डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बेटा बचने का नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल है, और तू कह रही है कि अब कथा में मन लगाऊं तो ऐसी बीमारी होने के बाद कौन माँ का दिल कथा में लगता है, तू तो लग। गुरुदेव पिताजी को सीहोर भेजा रुद्राक्ष लेकर आने के लिए, और पिताजी सीहोर गए, पिताजी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेने भेजा, और रोज कलश में रुद्राक्ष डालकर वो जल शिवजी को चढ़ाते। और फिर मेरी जीजी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2023 में भिलाई में कथा हो रही है, तो वहीं पर है, अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठकर कथा सुन। बीमारी हुई थी 2022 में 19 दिसंबर को, अप्रैल के महीने तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था, 2023 की मैंने कथा सुनी इसी जगह पर जहां आप कथा बाच रहे हो, और 2023 की जब कथा सुनी पंडाल में बैठकर, पंडाल में जैसे आज बैठी हूँ वैसे अपने बच्चे को लेकर बैठी, और रोज बाबा को प्रणाम करती, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर बाबा से कहती, बाबा आपकी कथा सुनी है, मेरे बेटे को ठीक कर देना, मेरे घर से पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचूंगी अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज 2024 चल रहा है, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था, पर मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया, इसलिए मैं पैदल चलकर यहाँ कथा के पंडाल में आया। पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंची हूं, अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं, और इसका कैंसर का रोग भी समाप्ति पर है। ये शिव तत्व है, ये उपघड़ी है, आप किसका भरोसा कर रहे हैं, आप किस विश्वास की ओर जा रहे हैं? पहले तो आप ये पक्का कर लो कि आप संसार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शिव पर भरोसा कर रहे हो, आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शंकर पर भरोसा कर रहे हो। सियोर वाले महाराज का तो क्या है, मनुष्य देह है, मानव का शरीर है, मानव के शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।
मानव शरीर में क्या भरोसा है? मनुष्य शरीर पर क्या भरोसा करना? किसी इंसान पर भरोसा मत करो। फिर निवेदन है कि इंसान पर भरोसा करोगे तो टूट जाएगा, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। उस ईश्वर पर भरोसा, उस भगवान पर भरोसा करो। हम इंसान पर क्यों भरोसा करते हैं? क्यों, किस लिए? ईश्वर पर भरोसा करिए, इंसान पर भरोसा करने के लिए। बोल रही हैं बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा, शिव की कृपा है। शिव को दिल से पुकारो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा।
सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए, तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है, सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो, सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो, सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो, सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते, सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो, सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो, बस केवल भगवान से तुम्हारा बैर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया, हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे, कई लोग कहते हैं हंसी मजाक में कह देते हैं, यज्ञ कर रहे थे हाथ जल गया, मंदिर गए थे ठोकर खा के नीचे गिर गए, मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया नीचे गिर गए, तो दुनिया के लोग क्या कहते थे, धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ के दर्शन करने गए थे कहीं कुछ हो गया, मालूम पड़े कहीं गए थे कुछ हो गया, तो क्या लोग लिखते हैं, धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी, याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को भजा भजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है, क्यों देखता है, क्योंकि अगर ये मटका फूटा होगा तो अभी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजा कर देखा जाता है, और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजा कर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी, भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते। थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है, धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है, भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र, तकलीफ हो रही है,
बच्चे को ना रखिए। तब मेरी माँ सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरु जी हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो मामा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया, ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी थी। तब आपने अपनी कथा में एक दिन कहा, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रज को साफ कर कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरु जी, और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू हो गया।
सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंसान पर भरोसा करते हैं। अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, नारियल देंगे काम हो जाएगा, भभूति देंगे काम हो जाएगा, बेल देंगे काम हो जाएगा, दाना देंगे काम हो जाएगा, सिर पे हाथ रख देंगे काम हो जाएगा। ना ना ना, हम गलती करते हैं कि इंसान पर भरोसा करते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती आज तक करी है, पूरी जिंदगी में यही गलती करते हैं। कभी इस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं। हम शिव पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उस परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं रहते? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम। और जैसे छत्रपति शिवाजी से पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी आप किस पे भरोसा करते हो? छत्रपति शिवाजी कहते हैं मैं अपने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करता हूं, शिव पर भरोसा। जब युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी तो एक ही नारा लगता था, हार हार महा। एक शब्द निकलता था युद्ध के मैदान में, हर हर महादेव। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया कि युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो शिव का नाम लेकर। माहिल्याबाई ने शिव का आदेश ये शब्द लिखा है अपने पत्रों में, शिव आदेश। या इंसान का आदेश नहीं चलता, शिव का आदेश चलता। हम इंसान को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं बनने देते। हम भगवान को तो बहुत नीचे लाकर छोड़ देते हैं और इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे उनके अंदर ये, वो चंदन लगा लिए, उनने बाल बढ़ा लिए, उनने दाढ़ी बढ़ा ली, उनने ये कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने इतनी कंठी पहन ली, उनने इतनी माला पहन ली और हमने उनको भगवान बना दिया। ना ना ना, इंसान को भगवान मत बनाइए, इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना, एक बार शिव के पास जरूर जाकर बैठना कि शिव है क्या। एक बार शंकर के पास जाकर बैठना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगी, इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता, दवाई खाना पड़ेगी। और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो और शंकर पर भरोसा कर रहे हो और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी, और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओगे, उस बीमारी से दूर हो जाओगे। अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ही ठीक हो गया। ना, दवाई तो लेना पड़ेगी पर उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है ये मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूँ, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ये विश्वास है हमारा। बोलबम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कावड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिवजी पर कावड़ का तिल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कावड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कावड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर
कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे उतरते से पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चुरा, वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बैग टांग टांग के कावड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहे हैं। जब कावड़ का जल लेकर डंडा पकड़कर बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कावड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़ कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चले जा रहे हैं बोलबम 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 बोलते चले जा, शिव का नाम लेते चले जा। शिव का नाम लेते लेते स्मरण करते चले। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर Thank you.
राजा महादेव का चरित्र कह रहा हूं। हर्षवर्धन राजा शिव उपासना में लीन रहता है। एक दरवाजा जब पकड़ लिया तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत क्यों जाए। अब सो बदिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे, फिर क्यों जाना। सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हो? जम के बोलो जरा, पक्का? अब तुम भोलेनाथ जी तक पहुंचे हो, शंकर जी के मंदिर तक पहुंचे हो, तो यह भी विश्वास मानकर रखो कि तुम शिव तक आए हो तो भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचे, निश्चित है। आप अगर शंकर तक पहुंचे हो, आप अगर शिव तक गए हो, तो मेरा शिव, मेरा उगड़दानी, मेरा शंकर आप तक भी जरूर पहुंचे, निश्चित। राजा हर्षवर्धन जब शिव पर इतना भरोसा कर रहे थे और सब जगह से राजा हर्षवर्धन की विजय थी, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं था राजा हर्षवर्धन के जीवन में जहां से उसको विजेता प्राप्त नहीं हुई, सब जगह से। एक दिन उसी की परीक्षा, जब भगवान शिव की भक्ति में जो ज्यादा जुड़ा रहता है, शंकर की भक्ति में जो ज्यादा रमा रहता है, तो उसकी परीक्षा भी शिव लेते हैं, क्योंकि शंकर उसको स्वीकार करते हैं ना। सोने को जितना तपाया जाए, सोने को जितना तपाया जाए आखिरी में उसमें निखार आ ही जाता है। जितना तपा, बस ये है कि थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है? छत पे बोलो तो, लगी है? उनके खटके लगे हैं? अरे बोलो तो, जम जम के लगे हैं? लाइट का खटका बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है? हाँ, थोड़ी देर बाद बंद होती है कि तुरंत हो जाती है? तुरंत। और पंखा, पंखे का खटका बंद करते हो तो पंखा एकदम बंद हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ा धीरे 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 करते फिर पंखा बंद होता है। दो तरह के व्यक्ति संसार में रहते हैं, एक लाइट की तरह, बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम खटका बंद तो बंद, और एक पंखे की तरह बंद कर भी दो तो धीरे 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 बंद होते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, दो तरह के लोग शिव कथा में पहुंचते हैं। ये बल्लभ का समय, दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्लभ की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दबते से ही वो शंकर का हो गया,
और शंकर उसके हो गए एकदम खटका बंद और शिव का हो गया लाइट की तरह खटका बंद एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है उसको कितना ही समझा लो शंकर के मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसा घूमेगा मतलब धीरे धीरे वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू कर दिया। कोई कोई लाइट की तरह है कोई कोई पंखे की तरह खटके सबके हैं कोई जल्दी जाता है शिव की ओर कोई लेट जा पर शिव पुराण कहती है लाइट भी कह रही हमारी कथा की है तो हम तो मच गए हैं। काय दया सिंह जी काय डीजे की लाइट तो ना लगा दी है इसमें शिव कृपा है बहुत बहुत आनंद है हर हर कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है पंखा धीरे 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 थोड़ा समय लगे